आपके साथ मैं हूं प्राची पारेश्वर और आप देख रहे हैं प्रहार। मोदी 3.0 में क्या क्या होने वाला है, मोदी थर्ड टर्म में देश के लिए क्या क्या करने वाले हैं, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या विजन है, इसकी पूरी डिटेल अभी अभी संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दी है। आजकल का सबसे हॉट टॉपिक पेपर लीक पर भी राष्ट्रपति बोली। राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया कि पेपर लीक पर सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति से बचने की हिदायत भी दी गई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद कई बार संविधान पर हमले हुए, आपातकाल संविधान पर हमले का सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में गुलामी की मानसिकता को हटाने पर भी जोर दिया गया। महामहिम ने कहा कि सरकार गुलामी की मानसिकता हटाने का काम कर रही है और उसकी कोशिशों का असर दिख भी रहा है। राष्ट्रपति ने CAA कानून को लेकर भी अभिभाषण में बात रखी। उन्होंने कहा कि अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, नए कानून से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। तो बीते 10 साल में जो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं और आने वाले 5 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, उसका पूरा रोड मैप आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में नजर आया है। सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले मुद्दों पर सरकार का विजन क्या रहेगा, जो मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों पर सरकार का जवाब क्या रहेगा, ये सारी झलक आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिली है। नीट का मुद्दा जब राष्ट्रपति बोल रही थी, उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से लगातार संसद में गुंजायमान किया जा रहा था। इस पर भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में साफ कर दिया कि निष्पक्षता से पेपर लीक की घटनाओं पर जांच सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ CAA का जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के तहत शरणार्थियों को सम्मान मिला है। मेरा सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पंडित पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ब्रिटिश काल से चली आ रही गुलामी की मानसिकता को मोदी सरकार ने खत्म किया है। मोदी सरकार ने न्याय को प्राथमिकता दी है, नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा।
जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। आप दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आज जो विदेश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तो ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया। लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संविधान और बजट पर भी अपनी बात रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो, यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे
तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है।